हाँ बच्चों, कियन मौर्या क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस लेसन का अंतिम टॉपिक मानव जनसंख्या एवं परिवार नियोजन, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, परिवार नियोजन, भारत जनसंख्या विस्फोट एक वीडियो में और फैमिली प्लानिंग दूसरे वीडियो में हम बता देंगे। चलिए चलते हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट, जानते हैं कि भारत में तमाम बाल विवाह की प्रथा, शिक्षा की कमी के कारण अधिक से अधिक कुछ धार्मिक विचारधाराओं के अनुसार अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की मनोभावना बन चुकी है, जिससे अधिक से अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। सपोज करिए कि आपके परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है तो क्या होगा, उसी तरह से देश में जनसंख्या बढ़ रही है। ये जनसंख्या विस्फोट किस तरह से हुई, इसका एक सूची है जिसको आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम 1901 में 21 करोड़ ये थी, 21 करोड़ जनसंख्या थी 1901 में, सिर्फ 21 करोड़। और 1921 में ये बढ़कर 25 करोड़ हो गई, 25 करोड़ 12 लाख। ध्यान दीजिए, 1901 में 21 करोड़ थी और 1921 में 25 करोड़ 12 लाख हो गई। यही देखिए 1941 में 31.85 करोड़ और 1971 में 54.79 करोड़ हो गई थी। ये क्रम हर 5 साल पर देख रहे हैं कि 10 साल पर, 20 साल पर जब भी जनसंख्या पॉपुलेशन की सर्वे होता है उसके अनुसार बढ़ी हुई जनसंख्या। 1981 में 68.30 करोड़ हो गई, 81 में देखिए 71 में 54.79 थी और 10 वर्ष बाद जो है 68.30 करोड़ हो गई। और यही 1991 में 84.63 करोड़ तक पहुंच गई। यही नहीं, 2000 में 1 करोड़ हो गई, 2000 में 1 अरब, 1 अरब हो गई, 100 करोड़ 1 अरब पहुंच गई। और 2011 के सर्वे में ये 1 अरब 21 करोड़ हो गई। इस सूची से क्या पता चलता है कि हर 10 साल 12 साल पर किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, इसको एक जनसंख्या विस्फोट ही कहेंगे। भारत जनसंख्या प्रधान देश है और किसी प्रधान देश है, जनसंख्या भी अधिक है और सब लोग रोजगार की दृष्टि से कृषि खेती पर ही अधिकांश लोग आश्रित हैं। अब इसके लिए कुछ समस्याएं इससे हो सकती हैं। विश्व में चीन सबसे पहले स्थान पर है तथा भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ की दृष्टि से। चीन जो है प्रथम स्थान विश्व में रखता है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। अब बताइए, विकास की दर में कोई वृद्धि नहीं लेकिन जनसंख्या दर में वृद्धि है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव है, इलनेस है, क्या क्या मानव पर इफेक्ट है। जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन ह्यूमन, मनुष्य पर जनसंख्या विस्फोट के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला है फूड प्रॉब्लम, खाद्य समस्या। ध्यान दीजिए, फूड प्रॉब्लम खाद्य समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की समस्या रही है सकती है। एक परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो सुचारू रूप से भोजन पोषण नहीं हो पाता है और पोषण न होने से
मानसिक शारीरिक दुर्बलता होती है, व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। जैसे कैलोरी लेस फूड है, प्रोटीन लेस फूड है, प्रोटीन की कमी वाले भोज्य पदार्थों के प्रयोग करने से उसकी कमी शरीर में बनी रहती है और उसकी कमी से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इस तरह से भारत में खाद्य समस्या के स्तर पर बच्चों, वृद्धों, युवाओं सबके मानसिक शारीरिक विकास इतना ही नहीं, जो माताएं हैं गर्भ धारण के बाद अच्छे पोषक पदार्थ न मिलने के कारण उस बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। चाइल्ड बर्थ के समय कुपोषण के शिकार बच्चे हो जाते हैं, कैलोरी युक्त प्रोटीन युक्त पोषक पदार्थ उनको नहीं मिल पाता है। इस तरह से बच्चों फूड प्रॉब्लम खाद्य समस्या है, एजुकेशन प्रॉब्लम शिक्षा की समस्या, एजुकेशन प्रॉब्लम शिक्षा। जब जनसंख्या विस्फोट होगा, शिक्षण संस्थानों की कमी बनी रहेगी, यदि शिक्षण संस्थान है तो उसमें बैठक व्यवस्था, बैठने की समस्या बनी रहेगी, बैठने के लिए मेज कुर्सियों की कमी पड़ जाएगी, प्रयोगशाला लैब जो है प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी पड़ जाएगी, सुचारू रूप से प्रयोगात्मक कार्य संचालित नहीं हो सकते। दूसरे, अच्छे बच्चों के मानसिक ह्रास होगा, उनको सभी आवश्यक दशाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थाओं में उनका प्रवेश बाधित होगा। सपोज करिए कि एक शिक्षण संस्थान है जिसमें 100 विद्यार्थी ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वहां 10,000 विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। 10,000 विद्यार्थी पहुंचने के कारण शिक्षण संस्था से वहां शिक्षण संस्थान प्रभावित पड़ जाता है, जिसके कारण इस तरह से बच्चों शिक्षा की समस्या बनी रहती है। तो जनसंख्या वृद्धि के तमाम दुष्प्रभाव हैं जो मानव के जनजीवन को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं हो पाता है। उदाहरण बता रहे थे कि जिस शिक्षण संस्थान में सपोज करिए 100 छात्र प्रवेश ले सकते हैं तो वहां पहुंचे 10,000, अब बताइए कितने छात्र उसमें प्रवेश पा पाएंगे। इस तरह से तमाम समस्याएं हैं, तो आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। रोजगार की समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या में रोजगार की समस्या बनी हुई है। रोजगार के लिए कम से कम कार्य संचालित हो पाते हैं, इस जैसे कंपनियां, फैक्ट्रियां, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरियां जो भी हैं, कम से कम दर पर, कम से कम आय पर, कम से कम वेतनमान पर लोगों को रखा जाता है। अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या में रोजगार की भी समस्या है। आधुनिकीकरण के कारण, टेक्नोलॉजिकल यूज के कारण वर्करों की संख्या कम पड़ती है, जिससे भी एक समस्या है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की समस्या, स्वास्थ्य हेल्दी पर्सन में, स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कुपोषण का शिकार हो जाए, मानसिक शारीरिक विकास न हो पाए, किसी रोग से ग्रसित हो जाए,
वैक्सीनेशन टीकाकरण का प्रयोग न हो तो तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे स्वास्थ्य समस्या, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में समय अंतराल होना चाहिए, शिशु को मां का दूध पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, मां के दूध की कमी के कारण प्रोटीन की कमी पड़ती है जिससे बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है। इस तरह से स्वास्थ्य की समस्याएं चिकित्सा सेवाओं के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक समस्या है, विषम परिस्थिति है, जिसके कारण अच्छे से अच्छे निदान की प्रक्रिया हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पैसे की कमी, मेडिसिन की कमी, हॉस्पिटलों की कमी बनी रहती है जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती। आवास की समस्या, हैबिटेट प्रॉब्लम बनी रहती है। आप सपोज करिए कि आपके घर में 12 सदस्य हैं, 2 कमरे हैं, तो उनके रहने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है। एक ही कमरे में 5 लोग रहते हैं जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन की क्रिया प्रभावित होती है, उसका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, वो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इस तरह से बच्चों आवास की समस्या भी बनी रहती है। देख रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि से आय कम प्राप्त होती है जिससे अपने अच्छे से अच्छे आवास, अच्छे से अच्छे जगह की कमी बनी रहती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छे आवास, अच्छे वास स्थान, हवादार कमरे, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मकाने होनी चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पाती हैं, जिससे उसकी मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब यातायात एवं परिवहन की समस्या, यातायात के लिए आप भुक्तभोगी हैं, आपके घर 10 लोग हैं, 10 लोग यात्रा करने जाएंगे, आर्थिक तंगी, पैसे की खर्च पड़ेगी, ट्रेनों में, बसों में देखती है बढ़ती है भीड़, जनसंख्या वृद्धि के कारण स्टैंडिंग यात्रा आवश्यक स्थान नहीं मिल पाते हैं, जिससे यह एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। यह यातायात के कम से कम साधन है, सीमित साधन होने से अधिक जनसंख्या के परिवहन में समस्याएं आती रहती हैं। इस तरह से अगला है रहन सहन का निम्न स्तर। रहन सहन का निम्न स्तर पैदा हो जाता है जनसंख्या वृद्धि होने से। जैसे एक परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, उनको भोजन पूर्ण रूप से आवास नहीं दे पाते हैं, रहने के लिए स्थान नहीं है, कपड़े वस्त्र नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनके रहन सहन का निम्न स्तरीय स्तर हो जाता है, जिसके कारण वो जनसंख्या वृद्धि से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये जो वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव है, इलनेस दुष्प्रभाव है, आप देखें पूर्ण रूप से इसको देखेंगे समझेंगे। इसके बाद परिवार नियोजन किनके कारण किया जा सकता है, इससे क्या प्रभाव है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।